हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर एस एस क्लास टूडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर टेन ब्यूटिफुल होम्स लेट स्टार्ट लुक एट द पिक्चर दिस हट बिलोंग्स टू चंद्रा राजू एंड मधु ये जो पिक्चर आपने देखी है हट की ये चंद्रा राजू और मधु की है दे लिव इन विलेज नियर हुबली इन कर्नाटका वो कर्नाटका में हुबली सिटी के पास में एक गाँव है वहाँ रहते हैं दे कलेक्ट बीटल नट्स एंड सेल दम इन दिलेज वहाँ वो जो बीटल नट्स हैं सुपारी ये इकट्ठी करते हैं और गांव में बेचते हैं। दे आर पुअर दे मेड देयर आर हट विद मर्ड एंड टेस्ट रूफ अब वो पुअर हैं इसलिए अपनी हट है वो उन्होंने मर्ड से और टेस्ट रूफ से बनाई हुई है कच्चा घर है उनका अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि कच्चे घर और पक्के घर है उनका क्या क्या मटेरियल होता है तो उनकी हट है जो मर्ड और उन्होंने मर्ड से बनाई हुई है और उसके ऊपर उन्होंने फूस वगैरह से ये इस तरह से ये इसकी रूफ बनाई हुई है छत दे पेंटेड द वॉल्स ऑफ द हट विद लवली पैटर्नस उन्होंने अपनी घर को अच्छे से पेंट करके उसपे बड़े लवली पैटर्नस डिजाइन बनाए हुए हैं दे प्लांटेड रोजेज एंड जैसमी अराउंड द हट उन्होंने हट के चारों तरफ रोज और जैसमीन के प्लांट लगाए हुए हैं दे क्लीन द हट एवरी डे विद ब्रूम मेड ऑफ ड्राइड पाम लीव वो डेली जो ड्राइड सूखे हुए पाम की पत्तियां हैं उनसे बनी हुई झाड़ू से अपनी हट की रेगुलरली एवरी डे सफाई करते हैं अपनी हट को क्लीन रखते हैं इसका मतलब कि वो हट में रहते हैं घर कैसा भी हो लेकिन हमें घर में अपने डेली सफाई करनी चाहिए अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए द साइज ऑफ ए हाउस डज नॉट मैटर वी मे लिव इन अ स्मॉल और अ बिग हाउस बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन घर का साइज है वो मैटर नहीं करता हम बड़े घर में रहें या छोटे घर में रहें लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसे क्लीन रखें इसे साफ रखें वी शुड स्वीप हाउस एवरी डे एंड वाइप द फ्लोर्स हमें डेली अपने घर को घर में सफाई करनी चाहिए और फ्लोर को डेली पहुँचना चाहिए अच्छे से झाड़ू पोछा मोस्टली सभी के घरों में होता ही है ये द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्ट एवरी डे डेली फर्नीचर और जो दूसरा घर में सामान होता है उसकी अच्छे से डस्टिंग करनी चाहिए The drains should be covered and cleaned regularly. Drains हैं वो covered होनी चाहिए ढके हुई और उनकी regularly सफाई होनी चाहिए No waste material should be thrown in the drains. कोई भी waste material है वो नालियों में नहीं डालना चाहिए इससे उनमें blockage आ जा जाता है पानी बाहर निकलेगा गंदगी फैलेगी उससे द walls ऑफ आ हाउस शुड बी पेंट हमारी दीवार की घरें हैं वो अच्छे से पेंट की हुई होनी चाहिए द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टन्स डोर्स और विंडोज उन उनपे कर्टन्स होने चाहिए दे शुड अलाउ ब्रीज एंड सनलाइट टू इंटर आवर हाउस वो सनलाइट uh, और हवा को हमारे घर में अलाउ करते हैं जब कर्टन्स लगे हुए होंगे विंडो खुली है तो उससे सनलाइट और हवा अच्छे से आ सकेगी और सनलाइट हमारे घर के लिए बहुत जरूरी है सूरज की रोशनी घर में जरूर आनी चाहिए अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए डू यू नो ए हाउस दैट गेट्स सनलाइट एंड ब्रीज स्मेल्स क्लीन एंड डज नॉट अलाउ द जर्म्स टू ब्रीड क्या आप जानते हैं कि घर में सनलाइट और हवा है इससे स्मेल जो बदबू है वो साफ होती है और जर्म्स हैं वो नहीं पनपते हैं उससे इसलिए आप जब भी आप देखते होंगे आपके घर में जब भी दीपावली की सफाई होती है तो सामान है वो धूप लगाया जाता है कपड़े हैं वो भी धूप में डाले जाते हैं जिससे उनकी स्मेल खत्म हो जाए उनमें जर्म्स हैं वो नहीं पन पे इसलिए सनलाइट बहुत जरूरी है घर में आना द विंडोज एंड डोर शुड द मॉस्क्यूटोज एंड फ्लाइज कैन नॉट एंटर द हाउस खिड़की और दरवाजों पर वायर मैश जो जाली के जो गेट लगाए जाते हैं जाली हैं वो इन पे होनी चाहिए जिससे कि मॉस्किटोज और जो मक्खियां हैं वो घर में ना आए इसीलिए जाली वाला दरवाजा लगाया जाता है कि मक्खी मच्छर घर में ना आए गंदगी ना फैले उनसे जर्म्स ना हो द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन अ डस्टबिन एंड थ्रोन इन द बिग गार्बेज बिन ऑफ द लोकेलिटी जो कूड़ा है वो डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए और उस पर भी लीड यानी ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए और फिर वो एक बड़े गार्बेज बिन में जो भी आपके लोकेलिटी में सराउंडिंग एरिया में जो गार्बेज बिन होता है बड़ा उसी में कचरा डालना चाहिए यू शुड नेवर थ्रो द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और ऑन द रोड आपको गार्बेज है वो अपने घर के सामने या घर के आसपास में रोड पे ऐसे ही नहीं डालना चाहिए इट कैन ब्रीड जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीज इससे जर्म्स पैदा हो सकते हैं और बीमारियां फैल सकती हैं नेम टू डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम ओपन गार्बेज हिप्स खुले में कूड़ा डालने से जो दो बीमारियां हो सकती है वो यहां लिखनी है तो टाइफाइड है मलेरिया है ये बीमारियां ऐसी हैं जो ओपन में हम कूड़ा डालते हैं उससे ये बीमारियां फैल सकती है तो इस तरह ओपन में खुले में इस तरह से कचरा नहीं डालना चाहिए इनसे बीमारियां फैलती है मेक श्योर दैट द बिग बीन्स आर क्लीं एंड द गार्बेज इज रिमूव्ड रेगुलरली फ्रॉम योर लोकलिटी इस बात से हमें श्योर होना चाहिए कि जो बड़ा गार्बेज बीन है वो रेगुलरली वहां से कचरा हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है आपके जो भी आसपास के सराउंडिंग एरिया में है डू यू नो द म्युनिसिपलिटी इन सिटीज एंड पंचायत इन विलेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द गार्बेज तो सिटीज में म्युनसिपलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि गार्बेज है वो प्रॉपर से रिमूव किया जाए वहां से हटाया जाए और गाँव में पंचायत है वो गार्बेज रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है द गार्बेज इज सेपरेटेड ग्लास पेपर एंटीन आर रिसाइकल्ड वेस्ट फ्रॉम फ्रूट्स वेजिटेबल्स इज कन्वर्टेड इन टू कम्पोस्ट तो जो कचरा है वो भी सेपरेट होके उसमें से जो ग्लास पेपर टीन वगैरह ये रिसाइकल होते हैं ये फिर से इनसे कुछ भी नया बन के फिर मार्केट में आता है और जो वेस्ट होता है जैसे फ्रूट वेजिटेबल जो किचन वेस्ट होता है ये सब कम्पोस्ट में खाद में कन्वर्ट हो जाता है द एरिया इन फ्रंट ऑफ योर हाउस शुड बी एज क्लीन एज द एरिया इन साइड योर हाउस जितना आपने घर के अंदर सफाई रखते हैं आप उतना ही आपको अपने घर के बाहर भी सफाई रखनी चाहिए यू शुड डेकोरेट योर हाउस विद प्लांट्स एंड फ्लावर्स आप अपने घर को प्लांट्स फ्लावर्स इनसे डेकोरेट भी कर सकते हैं घर में प्लांट्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं और उनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और घर की सुंदरता भी बढ़ती है दोनों फायदे हैं। डू नॉट स्टोर ओल्ड टीन्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस ब्रोकन टॉयज ओल्ड बुक्स और न्यूज घर में जो पुराना जो वेस्ट मटेरियल को उनको स्टोर नहीं करना चाहिए सेल देम टू द लोकल स्क्रैप डीलर उनको जो रद्दी वाला है उसको बेच देना चाहिए फॉर रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग के लिए रिसाइकलिंग मीन्स कि फिर से कुछ नया बन के आ जाना वो सामान का जैसे प्लास्टिक के डिब्बे बॉटल्स ये सब बेचते हैं ये फिर फैक्ट्रीज में जाते हैं फैक्ट्रीज से फिर ये रिसाइकल होकर इनसे फिर कुछ नया मार... कुछ प्रोडक्ट बन के मार्केट में आ जाता है फिर से डू नॉट लीव ब्रोकन पोर्ट्स टायर्स एसेट्रा जो ब्रोकन पोर्ट्स हैं टूटे हुए टायर्स बाक, बाकी चीजें हैं ये भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए अराउंड योर हाउस और ऑन द टेरिस तो आप अपने घर के आसपास या टेरिस पे भी टूटे हुए पोर्ट्स और टायर्स ये सब नहीं रखें दे कलेक्ट वाटर एंड बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज क्योंकि इनमें पानी भर जाता है बारिश के टाइम में और अगर इनमें पानी भर जाता है तो उसके बाद में ये मॉस्कीटोज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं इनमें मच्छर पैदा हो जाते हैं वी शुड नेवर थ्रो वेस्ट मेटेरियल इन पब्लिक प्लेसेस और फ्रॉम कार विंडोज हमें कभी भी वेस्ट मटेरियल है वो पब्लिक प्लेसेस में या अपनी कार की विंडो से बाहर नहीं फेंकना चाहिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं स्कूल बसेस से जाते हुए भी कई बार देखती हूं मैं कि बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं और रह पर है वो बस ये विंडो से बाहर डाल देते हैं तो ये बहुत गलत है इस तरह से हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए कीप एमपीटी पैकेट्स आइसक्रीम कप्स विद यू टिल यू रीच ए डस्टबिन आप खाली जो आइसक्रीम कप्स हैं या जो पैकेट्स हैं वो अपने पास ही रखें जब तक कि आप डस्टबिन तक ना पहुंचे जब तक आपको अपने पास ही रखना चाहिए और फिर आप डस्टबिन में ही आपको कचरा डालना चाहिए वी मस्ट एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक केयर ऑफ आवर हाउस नेबरहुड सिटी विलेज एंड स्टेट हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो काम है ये करना चाहिए हमें अपने घर की अपने अड़ोस पड़ोस की अपने शहर गांव अपने स्टेट की सफाई की उसके देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ये हम कब कर सकते हैं हमें शुरुआत अपने आप से करनी होगी हम अपने घर के आसपास जब गंदगी नहीं फैलाएंगे हम इधर उधर पब्लिक प्लेसेस पे या फिर हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे तभी हम शुरुआत कर पाएंगे अच्छी है ना तो वी शुड फॉलो थ्री आर्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल हमें गार्बेज डिस्पोजल के लिए थ्री आर्स हैं ये फॉलो करने चाहिए रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल है उसको रिड्यूस करके उसको नष्ट करके रीयूज द थिंग्स लाइक जार्स एंड बॉटल्स जैसे जार्स हैं बॉटल्स हैं इनका रीयूज और रिसाइकल पेपर ग्लास क्लोथ्स एक्सेट्रा ये इनका पेपर ग्लास क्लोथ्स हैं ये सब रिसाइकल ये हो सकते हैं इस तरह से गार्बेज डिस्पोजल हो सकता है आवर पेट शेयरिंग आवर शेल्टर्स हमारे पेट्स हैं वो हमारे शेल्टर्स हैं ये भी शेयर करते हैं हमारे घर शेयर करते हैं राघव हैज ए पैट डॉग राघव के पास में एक उसका पैट है डॉग टैनी इट इज फाइव इयर्स ओल्ड ये पांच साल का है इट हैज ए वाइट फर विथ पैचेज ऑफ ब्राउन ये वाइट फर और ब्राउन इसमें पेचेज हैं टैनी में राघव बात एंड कॉम्स इट रेगुलरली राघव टैनी को रेगुलरली बात करवाता है उसको कॉम करता है एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग टैनी इज टेकन फॉर ए वॉक हर मॉर्निंग और इवनिंग में टैनी को वॉक के लिए ले जाते हैं राघव पेरेंट्स टेक टैनी टू ए वेटनरी डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप राघव के पेरेंट्स हैं वो टैनी को रेगुलर चेकअप के लिए वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं बेटे जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स का चेकअप करते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं टैनी लाइक्स मिल्क एंड बिस्किट्स टैनी को मिल्क और बिस्किट पसंद है राघव एंड हिज पेरेंट्स आर वेरी केयरफुल अबाउट वॉशिंग देयर हैंड्स विद सोप आफ्टर प्लेइंग विद और फीडिंग टेनी टैनी के साथ खेलने के बाद और टैनी को खाना खिलाने के बाद राघव और उसके पेरेंट्स हैं वो बहुत केयरफुल रहते हैं वो अपने हाथ हैं वो साबुन के साथ न, साबुन से अच्छे से वॉश करते हैं टैनी को खाना खिलाने के बाद और उसके साथ खेलने के बाद में तो आप भी अगर अपने घर में पैट रखते हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी अपने पैट के साथ खेलते हैं या उसको फीड करवाते हैं तो यू शुड वॉश योर हैंड विथ सॉप दे डू नॉट अलाउ टैनी टू जम्प ऑन देयर बैड्स एज डॉग्स कैन स्प्रेड जर््स टैनी हैज ए स्मॉल बैड वो कभी भी टैनी को अलाउ नहीं करते हैं कि टैनी है वो उनके बैड को शेयर करे उन्होंने टैनी के लिए एक अलग से छोटा बैड बना रखा है क्योंकि एनिमल्स हैं वो जर्म्स को जम्स जो है वो बढ़ा सकते हैं जर्म्स पैदा होते हैं इसलिए कभी भी एनिमल्स को चाहे वो आपके पेट हैं उनको कभी भी अपने बेड पर हमें अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फैलाते हैं। हैंड्स एंड कॉक लोकेश के पास में चार हैंड्स और एक कॉक है दे लिव इन कूप उनको वो एक कूप में रखता है वो एक कूप में रहती हैं। पिंजरे में जो मुर्गियों को रखने की जगह होती है उसको कूप बोलते हैं एवरी मॉर्निंग लोकेश कलेक्ट्स द फ्रेश एग्स हर मॉर्निंग को लोकेश वो फ्रेश एग्स कलेक्ट करता है ही स्वीप द कूप वो कूप की सफाई करता है फीड्स द हेंड्स विद ग्रेन्स मुर्गियों को वो फीड देता है अनाज का एंड गिव्स दम फ्रेश वाटर और उन्हें फ्रेश वाटर देता है आफ्टर पुटिंग द एग्स इन अ बास्केट He washes his hands properly with soap, as many diseases of birds can be passed on to human beings. और वो eggs को basket में रखने के बाद अपने हाथ अच्छे से साबुन से साफ करता है क्योंकि बर्ड्स की बहुत सी डिजीज है बीमारियां हैं जो ह्यूमन बींग्स में भी आ सकती हैं। इट इज वंडरफुल टू हैव पैट्स हु शेयर आवर होम्स विद us. कि बहुत ही वंडरफुल है कि पेट्स हैं वो हमारे साथ हमारा घर शेयर करते हैं बट इट इज वेरी इंपोर्टेंट लेकिन इसके साथ में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि टू लव दम कीप दम क्लीन एंड फीड दैम प्रॉपरली कि उन्हें प्यार दें उनको साफ रखें और जो हमारे पेट्स हैं उनको प्रॉपरली फीड करवाएं उन्हें प्रॉपरली खाना दें तो आवर चैप्टर इज कंप्लीट होप यू आर क्लियर थैंक यू